करना है लोगों की लाइफ में, जो मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वही मैं चाहती हूँ लोगों की लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आए, है ना। उस स्पिरिचुअल पाथ पे ही जाके जो सक्सेस मिलती है, जो एक हैप्पीनेस मिलती है, वो कहीं किसी भी पाथ पे जाके नहीं मिलेगी। नहीं मिलती। जो न्यू मेंबर्स है यहाँ पे, उन सबकी जर्नी मेरे साथ यहाँ पे रेकी सीखने के बाद अभी कैसी चल रही है और कैसा लग रहा है, यू नो, आफ्टर कमिंग इन टू यू नो फाइनली इन टू रेकी, रेकी विच इज द व्हाट आई कॉल मदर ऑफ ऑल द हीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट विथ सोनल। हेलो मैम, उसी रेखी तो मैंने थोड़ा किया हुआ था, लेवल 1 एंड 2। एंड आपने रेखी के बारे में बोला, मतलब रेखी आप ले रही है, सो आई वाज ड्रॉन टू इट। और मैंने इनफैक्ट एंजल हीलिंग भी मैंने करा हुआ है आपके साथ। एंड मतलब आपको एक बात कहनी है कि आई स्ट्रांगली फील दैट यू आर अ वेरी पावरफुल हीलर, यू आर अ वेरी पावरफुल। मतलब ऐसे होता है ना कि हर एक के, मतलब हर एक कोई खाना बनाता है पर हर एक का स्वाद नहीं आता। मेरे टीचर्स भी मुझे, आई मीन आई बीन ब्लेस्ड विद गुड टीचर्स, ग्रेट टीचर्स, बट आप बहुत पावरफुल चैनल है आप, और आपसे जो सीख, आई फील इट्स डिफरेंट, उसका थोड़ा बहुत अलग है। सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ये कुछ दिनों में आई वाज फीलिंग अ बिट लो व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास, कुछ दूसरी बातें चल रही थी, बट आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ, आई एम फीलिंग एट पीस। सो लवली। और अभी आपने हीलिंग स्टार्ट नहीं करी है सोनल, है ना। अभी तो जस्ट हम जब स्टार्ट करेंगे तो सोचो आप कौन से, या आप यू नो हाई एनर्जीज में आप जाने वाले हो। यस यस एंड ऑल्सो आप हमेशा साई बाबा जी का बात करते हैं। आई एम अ स्वामी समर्थ डिवोटी, तो मतलब वो लीनेज एक ही है, यू नो, यस यस आई फील कनेक्टेड विद दैट। शायद वो गुरु बंधु है, यू नो, दे आर हाँ ब्रदर इन द दिस थिंग, तो आई फील कनेक्टेड। वो आप अभी बोली ना कि सम थिंग्स आर डेड, तो हाँ शायद वही है। आई वाज सपोज टू सिट हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू नो गेट दिस टी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज रिमेन हैप्पी, है ना। या